नवरात्र समापन के साथ ही सोमवार को देवी मां की मूर्तियों का विधिवत विसर्जन किया गया। देवी मूर्तियां विसर्जन की व्यवस्था कोराड़ी स्थित बिजली घर द्वारा बनाई गई तालाब में की गई है। पिछले 40 सालों से इसी तालाब में नागपुर कोराड़ी खापरखेड़ा से आयोजक मंडल स्वजनों द्वारा इस तालाब में मूर्तियां विसर्जित की जाती है। इस साल इस तालाब में लगभग 150 से अधिक देवी माता की मूर्तियां विसर्जित की गई। कुछ परिवार सीधे विसर्जन स्थल पर भी पहुंच गए। सोमवार को नवरात्र समापन के साथ ही दोपहर से विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक चलता रहा। सभी मूर्तियों को सुरक्षित तरीके से विसर्जित किया गया। अनुचित घटना ना हो और यातायात प्रभावित ना हो, इसलिए कोराड़ी और खापरखेड़ा पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ था। मंडलों द्वारा दिए जाने वाले सार्वजनिक भोज पर भी पाबंदी लगाई गई थी। विजयादशमी पर रविवार की सुबह खापरखेड़ा और कोराड़ी पुलिस स्टेशन में शस्त्र पूजन किया गया। खापरखेड़ा के पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत कायर ने यहां रखे गए सभी शस्त्रों का सिंदूर लगाकर पूजन किया। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और जवानों ने भी शस्त्र पूजन किया। उल्लेखनीय है कि दशहरा उत्सव पर प्रतिवर्ष परंपरागत तरीके से शस्त्र पूजन किया जाता है। कोराड़ी की माता जगदम्बा मंदिर कोरोना की वजह से आम नागरिकों के लिए दर्शन हेतु बंद रखा गया था। इसी वजह से नवरात्र के अंतिम दिन नवमी पर सप्तशृंगी माता चनकापुर, पीसा माई माता ईसापुर, राणा माता मंदिर सुरा देवी जैसे पुरातन माता मंदिर में बड़ी संख्या में जाकर श्रद्धालुओं ने दर्शन लिए। श्रद्धालुओं ने शारीरिक दूरी का पालन कर दर्शन लिए। हालांकि मंदिर परिसर में प्रवेश के पहले व्यवस्थापकों ने श्रद्धालुओं के हाथों को सैनिटाइज करवाया। उल्लेखनीय है कि महाअष्टमी पर यहां 5 घंटे हवन किया गया था। नागपुर जिले भर में नवमी मनाई गई। कई परिवारों सहित मंदिरों में हवन व कन्या भोज का आयोजन भी हुआ। NBCN न्यूज के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।